दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में दूसरे साल के मेयर का चुनाव है। हालांकि 18 अप्रैल अंतिम नॉमिनेशन की तारीख है और 26 अप्रैल को नए मेयर का चयन होगा। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से पूर्व मेयर श्याम सुंदर हमारे साथ हैं। श्याम जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस बार जो एमसीडी में आपकी सरकार है लेकिन 18 तक नॉमिनेशन करना है, 26 को मेयर का चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और हमारा कौन कैंडिडेट होगा ये डिसाइड हो जाएगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आत्मा की आवाज़ पे, सच्चाई की आवाज़ पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी महापौर कैंडिडेट होगा वो जीत के आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार का चुनाव एक तरफा है, बीजेपी जान चुकी है। देखिए, उनका कहना अपनी यह सही है, लेकिन हम लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे। हम ऐसे खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा कोई भी कैंडिडेट होगा, हम पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और जोर शोर से लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है, जैसा मैंने कहा, कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, उनके पार्षद अपनी आत्मा की आवाज़ पर, सच्चाई की आवाज़ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पहली बार भी रेखा गुप्ता को लेके बहुत आप लोगों ने चांस किए कि वो मेयर बने, लेकिन मेयर शैली ओबराय बन चुकी हैं। आम आदमी पार्टी शैली को ही लेके कर रही है। देखिए, आपको मालूम है कि जो ये चुनाव होता है ये केवल निगम पार्षद वोट डालते हैं, पब्लिक वोट नहीं डालती। जब पार्षद में उनका बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद ही हमने अपील किया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए, सच्चाई के लिए वोट कीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी, अभी आपने देखा कल ये लोग केजरीवाल जी सीबीआई में होके आए, सीबीआई में जवाब दे के आए, इनको भी नहीं मना पता कि जो 56 कैंडिडेट 56 जो सवाल किए थे उसमें क्या क्या जवाब देते आए हैं, उसी में एक पकड़ होगी। क्योंकि मनीष सिसोदिया जिनके आज से जमानत नहीं हुई, स्वतंत्र जैन की जमानत नहीं हुई, और केजरीवाल जी फंसने वाले हैं, शिकंजा कसता जा रहा है, ये भी जल्द जेल में होंगे। केजरीवाल जेल में होंगे आप तो कह रहे हैं, लेकिन मेयर कौन होगा ये सवाल है। मेयर देखिए, अब चुनाव आपके सामने आ जाएगा। हमने कहा ना, हमारा जो भी कैंडिडेट हो जोर शोर से हम लोग लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और जो भी पार्षद हैं सभी से अपील करेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी से अपील करने वाले हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को वोट दें, मेयर को वोट दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के पूर्व मेयर श्याम सुंदर से, तो देखते हैं 26 अप्रैल को आखिर दिल्ली का नया मेयर कौन बनता है और बीजेपी किस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुमत वाली एमसीडी सरकार को मात देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।